पास्टर्स, बहने भाई गुजरा से, मुल्तान से, लाहौर से भाई असलम सहोत्रा साहब ट्रैवल करके आए हैं, क्रिश्चियन माइनॉरिटी अलायंस पाकिस्तान, भाई अकबर भट्टी, उनके सारे कारकुनान उस दिन से हमारे साथ हैं, भाई लाला रोबन हमारे साथ हैं, वो सारी जिद्दोजहद वो कर रहे हैं, हम सब मिलके सारी जिद्दोजहद कर रहे हैं। कोई एक बंदा, ये किसी एक का कॉज नहीं है, ये एक कौमी कॉज है और उस कौमी कॉज पे हम सब मुद्रित हैं, हम सब वकील हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ पूरी दुनिया को, जो बाहर अंदर लोग हमें देख रहे हैं, कि पाकिस्तान में बेशक हम थोड़े हैं लेकिन खुदावंद के हजूर हम सब मुत्तहिद हैं। पास्टर विक्की की जो के साथ जो जुल्म ज्यादती हुई है, अकमल भट्टी साहब भी उसे उतना ही फील कर रहे हैं, असलम सोत्रा भी, गदाला भी, और पाकिस्तान के हर शहरी जो है वो यहाँ मौजूद है या नहीं। कल कराची में, लाहौर में, चर्चेज में बहुत सारे लोगों ने इस पर गुफ्तगु की, और मैं बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट डे जिस दिन भट्टी साहब जरा सामने, भट्टी साहब ने जिस दिन की है गुफ्तगु, और उसके बाद पाकिस्तान सिया मिलत पार्टी ने टंके की चोट पर रोबन साहब और इनकी जो गुफ्तगु है उसकी हमने तईद की है, तईद से भी आगे, उसमें बाकायदा बाज़ाब्ता पाकिस्तान मसीहा मिलत पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है लाहौर प्रेस क्लब में। मैं जड़ावाला गया हूं और जितनी तगड़े तरीके से पास्टर विक्की के इशू को हमने पब्लिक के सामने जो है वो रखा है जितनी ताकत से, मेरा ख्याल यहाँ पर सारी दुनिया को ये पता चल जाना चाहिए। अगर चंद लोग खामोश हैं तो हम उनकी खामोशी को गद्दारी नहीं कह सकते, बहुत सारी चीज़ें उनके सामने हैं और ना सारी नेमतें किसी एक के पास हैं। अब ब्यूटिकल वर्कर होना और दूसरी चीज़ें यानी कानूनदार होना, पास्टर होना, ये फ़र्क चीज़ें हैं, और हम जिस जिस के पास जो जो नेमत है खुदावंद के हजूर पूरी ताकत के साथ, ना सिर्फ विक्की के लिए, अपनी मसीह कौम के लिए, बल्कि उससे भी हटकर जितने यहाँ पसमानदा अकलियतें हैं, हम तो उनकी जंग लड़ते हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, पारसी हैं, यहाँ पर जो जितने यानी गैर मुस्लिम हैं, हम सब उनकी आवाज़ तो रहेंगे खुदावंद के फजल से। आप फिक्र नहीं करें, विक्की बाहर आएगा, वो लोग शर्मिंदा होंगे जो विक्की को मसलना चाहते हैं, विक्की को नहीं, वो मसीह कौम का जो हकीकी जो अभियानिया है उसे मसलना चाहते हैं। इस वक्त मैं पास्टर विक्की साहब के वालिद हैं जिनके जो मेरे साथ मौजूद हैं, हम अदालत के सामने हैं, हम चाहेंगे कि ये पूरी कौम को बताएं कि इनका बेटा गुनाहगार है या बेगुनाह। जी बताएं, बेगुनाह है, बिल्कुल बेगुनाह है, मेरा अकेला ही बेटा है, एक ही बेटा है मेरा, अकेला बेटा है, बेगुनाह है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से पास्टर विक्की पर जुल्म जबर किया गया है, उसकी कलीसिया के काशफ परवेज और दूसरे जो छह लोग हैं उन पर जुल्म किया गया है, ये याद रखें कि पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान में मसीहों के साथ क्या हो रहा है। हम बिल्कुल चीखेंगे, चलाएंगे, पूरी दुनिया को बताएंगे कि पहले हमें फायर लगाए जाते हैं अगर हम उसकी FIR दर्ज कराएं, अगर हम वो चीखें चलाएं कि हम पर जुल्म हो रहा है, हमें कत्ल किया जा रहा है, हमारे चर्चर जो हैं वो जलाए जा रहे हैं, तो फिर हमें उन्हीं मुकदमात में जो है वो दोबारा से मुलजम बना दिया जाता है। ये जुल्म है, पूरी दुनिया जान ले और हमारे साथ खड़ी हो। हम मुश्किलात में हैं, पाकिस्तान के मसीह जो हैं इंतहाई मुश्किलात में हैं। देखें इस बुज़ुर्ग की, बुज़ुर्ग जो पास्टर विक्की साहब के, वो कह रहे हैं मेरा एक ही एक बेटा है, और मैं रिटायर्ड टीचर हूँ, मैंने सारी ज़िंदगी खिदमत की है, मुल्क की, रियासत की खिदमत की है, तो इस तरह से जुल्म करना बहुत बड़ी ज़्यादती है। रियासत को इस चीज़ का पाबंद होना होगा कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम शहरियों को मसावी हुकूक देने होंगे।